वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू किरण फिरोज किड्स चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं सिंदबाद और आज है संडे, तो आज हमारा घूमने का दिन है। सो बहुत मज़ा आएगा आज सिंदबाद में। सो गाइस, अभी हम लोग सिंदबाद आ चुके हैं फाइनली, और अब हम कर रहे हैं बाबा का वेट क्योंकि बाबा गाड़ी पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे पार्किंग ही हमें नहीं मिल रही थी। सो फिर जाएंगे हम अपना बैंड खरीदेंगे और एक ज़बरदस्त बात, इम्तियाज़ के कार्ड के साथ आपका बैंड फ्री। तो जैसे हमारे पास दो इम्तियाज़ के कार्ड थे तो मेरा और माइदा का बैंड बिल्कुल फ्री 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 ऑफ कॉस्ट मिला हमें। सो आप भी आएँ तो इम्तियाज़ का कार्ड ज़रूर लेके आएँ, और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 9 बजे तक होती है, उसके बाद आपका बैंड एक्सपायर हो जाता है। सो या अब चलते हैं अंदर और उसके बाद बहुत फन करेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे। सो यो वाओ, ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया, और ये 599 रुपीज़ के हैं, और ये सिंदबाद का लोगो। अभी मायदा कह रही थी मेरी एक पिक्चर लो, मेरी एक पिक्चर लो, मेरी पिक्चर लो। मैंने बोला चलो पिक्चर ले ही लेता हूँ, और ये सारे बैंड की प्राइस लिखी हुई है, बैंड्स की और एंट्री टिकट की। और अभी हम लोग इसमें बैंड भी लेना है, एंट्री टिकट भी लेनी है, और ये काउंटर था और इससे हम लेंगे टिकट। और तो गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बाबा का, वो गाड़ी पार्किंग करने के लिए गए हैं, और उसके बाद में और मायदा और मुर्तजा और मायरा जाएंगे अंदर। तो गाइस हमने बैंड पहन लिया है, मुर्तजा ने भी और मैंने भी पहन लिया है। सो गाइस अभी मायरा और मुर्तजा बैठे टर्टल ट्रेन में, सो इनको तो बहुत मज़ा आएगा इस ट्रेन में बैठ के। सो और हम भी जब तक अपने लिए राइड्स अपनी अच्छी अच्छी ढूंढते हैं कि हम किस में जाएँ। वैसे मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि लॉक स्लाइड में ज़रूर बैठना, हम भी अपने बचपन में बैठते थे, तो चलो देखते हैं लॉक स्लाइड कहाँ पे है। अभी हम जा रहे हैं इसमें, सो ये झूले की लाइन में लगे अभी हम। आई एम सो एक्साइटेड, मुझे पता नहीं कैसे आइसक्रीम खिलाई अपने पैसों से। बहुत मजा आया। सो अभी हम जा रहे हैं इसमें डॉजिंग कार में, बम्पर कार भी कहते हैं, बम्पर कार। तो गेट खोल कर निकल जाएगी।
अभी हम लोग आए हैं और अभी यह पूरी स्टोरी चल रही है और यह 3D की तरह है। जैसे अगर ये वेव यूँ होगी तो ये बस भी यूँ होगी, जैसे कि यूँ होगी तो ये बस भी यूँ होगी और हमें लगेगा ये 3D है। सो चल पड़ी है और मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है और मुझे 3D जो मूवीज़ और पिक्चर्स हैं वो बहुत पसंद हैं। तो आपने देखा होगा जब भी मैं हाइपरस्टार जाता हूँ 3D की वो मूवी ज़रूर देखता हूँ। और अब ये नीचे जा रहा है, ओ बहुत डर लग रहा है और सारे लोग चीख रहे थे तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बहुत डर लग रहा है और अंदर AC भी चल रहा था और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था, इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो आप लोग भी आए तो ये लॉक स्लाइड ये ज़रूर ट्राई किए हैं, फ्यूचर बस ट्राई करें ज़रूर। सो अब हम चलते हैं और आप इंजॉय करें। सो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ हलीम। बहुत मज़े की ये मैंने और माइदा ने खाई थी, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। इसकी प्राइस 150 रुपीज़ थी और ये बहुत मज़े की थी। अगर आप यहाँ आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें ज़रूर। और ये इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन लोगों ने चॉकलेट डाली थी, इतना हैवी कर दिया था ना इसको। सो मैंने किटकैट फ्लेवर की ली थी और माइदा ने मार्स फ्लेवर की ली थी। ये 150 की थी, वैसे तो ये 150 की भी है, 130 की भी है, 120 की भी है, 100 रुपीज़ की भी है। और ये सारे फूड स्टॉल्स हैं जिससे हमने हलीम आइसक्रीम और वो लिया था आइसक्रीम्स। सो कैंडी की दुकान में पूरे 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद एंड में वो गर्म होके कॉटन कैंडी की मशीन में आग लग गई और फिर मुझे कॉटन कैंडी नहीं मिल पाई। मेरा इतना दिल चाह रहा था ना कॉटन कैंडी का, मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस अभी हम फाइनली जा रहे हैं लॉक स्लाइड में। थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है लेकिन जब ये ऊपर से नीचे जाने वाली होगी तो बहुत डर लगेगा और हमारी बारी भी आने वाली है। इसके बाद वाली के बाद वाली की बात हमारी बारी है। सो ये एक बारी में अभी आप देखें ऊपर से आएगा और पूरा पानी जब मुंह के ऊपर आएगा ना तो कैसा लगेगा गाइस, मैं यही सोच रहा हूँ। ओह माय गॉड इतना सारा पानी। सो गाइस अभी हम पूरे गीले हो गए, हमारी ना आंकड़े खड़े हो गए, हम बहुत डर गए। आइंदा कभी नहीं बैठेंगे, पूरा गीला हो गया मैं, पूरे गीले हो गए और जूतों में इतना गीला पानी। अभी हमारे पास 10 मिनट बचे वरना खत्म। मतलब क्या कब बैठ गई तुम? पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा था और पाकिस्तान जीत रहा था और पाकिस्तान जीत गया, जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रहा था। सेमीफाइनल में भी पहुंच गया पाकिस्तान। सो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो अब आप लोग एंजॉय करें मैच और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये सारे स्टॉल्स लगे हुए यहाँ पे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। सो लेट्स गो
और ये सारे स्टॉल्स हैं ट्वाइस के, और कॉटन कैंडी, और क्या कहते हैं बलून्स। सो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, सब कुछ दी एंड हो गया है। अभी ये फट चुके हैं, इनका कोई फायदा है।